हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट क्रैक एग्जाम। तो दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी के लिए डिजाइन क्रैश कोर्स, जिसके हम जीके सीरीज के पार्ट 3 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इस वीडियोज में कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो पिछले एक साल में आरआरबी ने जितने भी एग्जाम लिए हैं उसमें पूछे गए हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यमुना नदी कहाँ पर गंगा नदी से मिलती है? Where does Yamuna River meet the Ganga rivers? तो दोस्तों, गंगा नदी मिलती है हमारे प्रयागराज में यमुना नदी से। दोस्तों, इसका पुराना नाम इलाहाबाद था, तो आप अगर कहीं और इलाहाबाद पढ़े तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, अब इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? Who propounded The Big Bang Theory? दोस्तों, Big Bang Theory का जो प्रतिपादन हुआ किया था जॉर्ज लेमिंटर ने। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? What is the field of boxing game called? दोस्तों, बॉक्सिंग जहां पे होता है उसको हम रिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्वीप बीजपत्री पत्ते के ऊपर व निचली बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला उतक क्या कहलाता है? What is the tissue found between the upper and lower outer skin of a bicatland cliff? तो दोस्तों, इसको कहते हैं मेसोफील। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम चिदंबरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? Where is M चिदंबरम स्टेडियम लोकेटेड? दोस्तों, एम चिदंबरम स्टेडियम है आपका चेन्नई में। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? Who composed the national anthem of Bangladesh अमार सोनार बांग्ला? दोस्तों, इसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हाउ मेनी ईयर्स आर द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा? तो दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 ईयर्स का। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है? What period is called the golden age of the history of Indian football? तो दोस्तों, Indian football history का golden age कहा जाता है 1951 से 1962 तक। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे ज्यादा है? Which state has the highest number of cotton textile mills? दोस्तों, सूती वस्त्रों का जो मिलों की संख्या सबसे ज्यादा है आपकी महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? द फेमस एम्ब्रॉयडरी आर्ट गोटा इज रिलेटेड टू विच स्टेट? दोस्तों, ये जो कढ़ाई की कला है गोटा, इसका संबंध आपके राजस्थान से है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्के को प्रचलित किया? विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस टका एंड जीतल क्वाइंस? दोस्तों, इसको इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी? The famous composition Tutinama was composed during which region? तो दोस्तों, Tutinama जो आपकी कंपोज हुई थी उस टाइम शासक थे अकबर।
दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदीय विश्व कब होती है, व्हेन डज द वर्नल इक्विनॉक्स अक्योर। तो दोस्तों ये होती है 22 अथवा 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल शब्द अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक स्टाइल ख्याल। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कल्पना, इमेजिनेशन। दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो कि पिछले साल आरआरबी की एसआई के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर ले। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।